मतलब अगर आप बीएससी कर रहे हैं समाज में इज्जत है, अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो थोड़ी और इज्जत है, अगर आप मेडिकल कर रहे हैं तो आपकी बड़ी इज्जत है, लेकिन अगर आप बीए कर रहे हैं, अरे निकाल उसको बाहर, इज्जत ही नहीं है यार, इज्जत ही नहीं इस कंट्री में यार, टीचर मतलब कुछ है ही नहीं। अरे ये तो यूपीएससी के बैकअप ऑप्शन वालों का भी लास्ट ऑप्शन होता है। जिन लोगों ने इस कंट्री को आजाद कराने में अपनी जानें दी हैं, अगर वो ऊपर से देखते होंगे, जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। अब आपने ह्यूमैनिटीज को छोड़ दिया, कहां पे? क्लास टेंथ में। क्लास टेंथ के बाद आपने ह्यूमैनिटीज को छोड़ दिया। आपकी जिंदगी में थॉमस एडिसन, न्यूटन, आइंस्टीन, आपको लगा कि सारी दुनिया इन्हीं के बल पे चलती है। ऐसा इस देश में बताया गया है कि जिस आदमी ने साइंस नहीं पढ़ा उसने कुछ नहीं पढ़ा, ऐसा ये देश मानता है। मतलब अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो आपका समाज में इज्जत है, अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो थोड़ी और इज्जत है, अगर आप मेडिकल कर रहे हैं तो आपकी बड़ी इज्जत है, लेकिन अगर आप बीए कर रहे हैं तो आप समाज में, मतलब किसी शादी वादी में अगर 10-12 लोग खड़े हैं और बीच में आपने बोल दिया कि मैं तो बीए कर रहा हूं, पीछे आओ इधर, बीए कर रहा हूं। मतलब ह्यूमैनिटीज को इतनी घटिया निगाह से इस देश में देखा जाता है। टीचर ही बोलते हैं टेंथ में, जो टेंथ के टीचर साइंस वाइंस कहां पढ़े, हिस्ट्री कहां पढ़े होते हैं, वो भी टीचर बेचारे बन गए। इंडिया में टीचिंग प्रोफेशन इज अ प्रोफेशन जिसमें लोग मजबूरी में जाते हैं, हाँ वो लास्ट रिसोर्ट है, कोई शौक से नहीं जाता। आईएएस के सारे अटेम्प्ट खत्म हो गए, पीसीएस से खत्म हो गए तो कहते टीजीटी पीजीटी भी दे लेते हैं। अच्छा लास्ट में क्यों जाता है, उसकी वजह जर्मनी में ऐसा नहीं है, जापान में ऐसा नहीं है, वहां हर आदमी की पहली चॉइस है कि मुझे टीचर बनना है। जर्मनी में, जापान में, वहां आदमी की पहली चॉइस है, जापान में तो पहली चॉइस है कि टीचर बनना है। पहली वजह, अगर आप टीचर हैं और आप एक्सेल कर गए, अवार्डी हो गए, तो उनका जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है उसमें आपको मेंबरशिप मिल जाएगी। एंड दे आर द ओनली वीवीआईपी इन जापान, उनके अलावा कोई वीआईपी नहीं। तो जापान का आदमी का सपना है कि भैया टीचर बनना है, यहां टीचर मतलब कुछ है ही नहीं। टीचर हाथ जोड़ के खड़ा है डीएम के सामने, स्कूल का टीचर, बाबूजी हमारा खेत कब्जा कर लिए बाबूजी। और कई बार तो जाके वो डीएम का पैर भी छू लेता है साहब। तो जिसका सोसाइटी में हर वर्ग पैर छूने लगेगा, भाई एक डीएम खड़ा है, एक इंजीनियर खड़ा है, एक डॉक्टर खड़ा है, सब हाथ जोड़ के डीएम के सामने खड़े हो जाएंगे। उनको पता है ना कि इसकी पावर ज्यादा है, ठीक है ज्यादा पावर, पर ये जो इधर लोग खड़े इन्होंने कभी ह्यूमैनिटीज पढ़ी नहीं, ये जो इंजीनियर है डॉक्टर है इसने कभी ह्यूमैनिटीज पढ़ी नहीं, तो इसको सिर्फ इतना पता है कि इसकी पावर ज्यादा है। उनको ये नहीं पता है कि इस कंट्री में सबसे ज्यादा पावर यहां के सिटीजन की है। तो अब चूंकि आपने टेंथ में हिस्ट्री छोड़ दी, आपने टेंथ के बाद पॉलिटी छोड़ दी, आपने टेंथ के बाद ज्योग्राफी छोड़ दी, ये सब आपने टेंथ के बाद छोड़ दिया, इकोनॉमी जिंदगी में आपने कभी पढ़ी नहीं। किसी भी देश को सुपर पावर बनने के लिए तीन चीजें चाहिए, कौन सी तीन, ये तुम बताओ ब्रिटेन और अमेरिका और जापान के एग्जाम्पल के बेसिस पे। किसी भी कंट्री को वर्ल्ड पावर बनने के लिए तीन चीजें चाहिए, कौन सी तीन? 1787 इस्लाम एरिया, 1945 वर्ल्ड पावर। तो जैसे तुम टॉपरों को ढूंढते हो उनसे जानने के लिए कि भैया तुम टॉपर कैसे बने, ऐसे जब हम 1947 में पैदा हुए तो हमने अपने टॉपरों को ढूंढा, तो हमारे लिए टॉपर कौन था? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये 1787 में पैदा हुआ एज अ स्लम एरिया, स्लम, और 1945 में ये बन गया वर्ल्ड पावर। अब हमें, अब ये किसके लिए इंस्पिरेशन बना? इंडिया के लिए। इंडिया पैदा हुआ 1947 में स्लम एरिया,
तो अगर ये स्लम एरिया से वर्ल्ड पावर बन सकता है तो हम क्यों नहीं बन सकते? तो जैसे तुम्हारे लिए आइडियल कौन है? कनिष्क कटारिया है, टीना दावी है। ऐसे इंडिया एज ए नेशन के लिए आइडियल कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। कौन सी तीन चीजें की इस कंट्री ने, किन तीन चीजों पे फोकस किया इसने? ट्राई करो, टेंशन क्यों ले रही हो? देखो ये मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर तुम ह्यूमैनिटीज कायदे से पढ़ा होते तुम्हें ये बात पता होती। अरे भैया तुम ऐसे देखो, तुम कॉमन सेंस लगाओ। दुनिया में जो प्रोडक्ट्स हैं बाजार में, मेड इन यूएसए, एप्पल, अब तुम्हें, अब किसी कंट्री को आज की डेट में पावर बनने के लिए क्या चाहिए? उसकी कमोडिटी वर्ल्ड लेवल की होनी चाहिए, एप्पल। यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत मजबूत है। एप्पल को टक्कर कौन दे रहा है? वन प्लस, चाइना। एप्पल के पीछे, वन प्लस के पीछे कौन खड़ा है? लावा, इंडिया। यानी किसी कंट्री के आज की डेट में पावर बनने में सबसे अहम भूमिका किसकी है? इंडस्ट्री की। ये तुमने अगर ह्यूमैनिटीज पढ़ा होता, ह्यूमैनिटीज, तो तुमने तो टेंथ के बाद छोड़ दिया, तो तुम्हें ये नहीं पता कि यार हिस्ट्री पढ़नी क्यों है, क्यों अशोक को महान कहते हैं, ऐसा क्या काम कर डाला अशोक ने कि उसको हम महान कहते हैं? गोल्ड मेडलिस्ट है कि नोबेल प्राइज विनर है? हम चाणक्य को महान क्यों नहीं कहते? कहते हैं चाणक्य को बड़ा दिमाग था, उन्होंने किताब लिखी अर्थशास्त्र। तो जब इतना था तो महान तो चाणक्य को कहना चाहिए। अशोक को क्यों कहते हैं? क्योंकि पहली बार जब यह कंट्री नेशन नहीं थी, आज नेशन है तब लोगों को समझ में नहीं आता कि साथ में रहना है। आज नेशन है तब उसको, उसको एक बात क्लियर थी कि दिस सबकॉन्टिनेंट नेशन नहीं, सबकॉन्टिनेंट, उसमें बांग्लादेश भी था, पाकिस्तान भी था, अफगानिस्तान भी था। उसको उस वक्त यह बात समझ में आ गई कि दिस सबकॉन्टिनेंट इज अ लैंड ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो इस यूनिटी इन डाइवर्सिटी को मजबूत करना है। तो ही कम्स आउट विद द पॉलिसी ऑफ धम्मा, इसलिए हम उसे महान कहते हैं। 100 साल का फ्रीडम स्ट्रगल, कितने लोग कुर्बान हुए, कितने लोग फांसी पे चढ़ गए, और आज अगर उनकी आत्माएं इस देश को देखती होंगी तो वो कर्जन से माफी मांगती होंगी कि सॉरी सर, ये बदतमीज लोग, जिन लोगों ने इस कंट्री को आजाद कराने में अपनी जानें दी हैं, अगर वो ऊपर से देखते होंगे कि ये हिंदू मुस्लिम, जब इस देश के लोगों को इंडस्ट्री की मांग करनी चाहिए, जब इस देश के लोगों को हॉस्पिटल की मांग, और लिटरेसी रेट कितनी? 80+। उस कंट्री का आदमी ब्राह्मिन्स हैव डन वेरी बैड विद दिस। अच्छा, हॉट लिक्विड वाटर क्या है सर? अंग्रेजी भी नहीं बोल पा रहे। हॉट ऑयल, अच्छा कहाँ कहाँ लिखा है? बबलू वॉज टेलिंग, कुछ भी। उसकी वजह यह है कि इस देश ने ह्यूमैनिटीज के साथ बदतमीजी की। अन अकेडमी, लेट्स क्रैक इट।